मैं ये समझता हूँ कि चैनल को प्रमोट करने के लिए इतना नहीं गिरना चाहिए। ये क्या होगा, देखिए मैं सरिता जी यहाँ पर हमारा एक बड़ा फनी किस्म का ये लाइव होता है, हमेशा हमने बहुत खुल के बात की है, डिस्कशन की है, गपशप लगाई है, बातें की। हमारा मकसद ये है, आप लोग जब ऐसी हरकतें करो कि आप कोई कंटेंट क्रिएट करो, आप कोई बात करो, जो कोई ऐसी बात करो कि जिससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो, नहीं तो इंटरटेनमेंट तो हो। किसी को गालियां निकालना, मैं यहाँ पे बैठ कर किसी ऐसे बंदे को गालियां निकालू जिसको ना मैं जानता हूँ, ना मेरा ताल्लुक है, ना मेरा लेना ना देना, और मैं उनको गाली निकालता जाऊं, तो मुझे उसको क्या फर्क पड़ा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आप पर फर्क पड़ रहा है, आपका चैनल चार लोग देखेंगे कि क्या फजूल आदमी है, इसके पास कोई कंटेंट ही नहीं है, बात करने का ही नहीं है, भाई फर्क तो मुझे पता क्या है, घंटा भी नहीं पड़ता। मेरा नाम लेके कोई अगर अपनी पब्लिसिटी कर रहा है ना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लो मेरा नाम अगर तुम्हारा चैनल चल रहा है, लो मेरा नाम अगर तुम्हारे व्यूज बढ़ रहे हैं, लो मेरा नाम। लेकिन जो गाली देते हैं ना साले, उनके क्यों व्यूज बढ़वाऊं मैं? और गाली किस बात की? आपने कभी देखा मैंने किसी को गाली दी हो? आपने इतने महीनों से आप देख रहे हो, मैंने कभी किसी के लिए गाली निकाली हो, कभी किसी के लिए गलत बोला हो? आज मैंने जब मैंने सुना कि कोई चमकीला, पता नहीं कौन है वो चमकीला, धुंधला, मैला, कुचैला, कौन है वो, उसने बोला कल मुझे आस्था माजी को और शैली को और तीन चार लेडीजों को गाली दी, और गाली कितनी गंदी है। मैं नहीं सुनती हूँ, मैं इसलिए नहीं सुनती हूँ कि अगर मैंने सुन लिया ना मैं बौखला जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं इनकी माँ बहने करूंगी, तो इसलिए मैं सुनती नहीं हूँ। तो इस तरह की गालियां दी आज मैंने, आज आप देखिएगा जो उनकी जो आज जो उसकी हालत होने वाली है ना, अभी उन्होंने तो वो कर दिया, पर अभी जो दो मैंने उनको खुली छूट दी है, आज तुम गालियां दोगे और कोई तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करता ना, मैं आगे खड़ी हूँ। किसी की हिम्मत है आपको कोई कार्रवाई करने के लिए? आपके लिए कोई कार्रवाई कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं है। सरिता के होते हुए और कोई तुम पे कार्रवाई करेगा? देख लूंगी। गाली देना हमारे सनातन धर्म की सभ्यता नहीं है। बट एडी भैया वही, और जो माता रानी का पोस्टर लगा रखा है जी, पोस्टर भी माता रानी का लगा रखा है, दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, पोस्टर भी माता रानी का लगा रखा है, और उसके बाद बंदा गाली दे रहा है, ये देखिए, ये देखिए। इसके अंदर हिंदुस्तान की बहनों को किस तरह की गंदी गंदी जो गालियां होती हैं, जो मैंने कभी सुनी नहीं है, उस तरह की गालियां दे रखी हैं। मैंने सुना नहीं है पर बोला गया है आस्था माजी को। आस्था माजी ने इनके कब खा लिया कुछ चुरा के, इनकी भैंस खोल के ले गए, या मैं इनकी भैंस खोल के ले गई, या रीना बिचारी वो जर्मन में रह की भैंस खोल के ले गई, शैली इनकी भैंस खोल के ले गई, ये है कौन भाई? ये अंडे पे से अभी निकल रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमारे तो पूरी जिंदगी बीत गई। अरे तुम्हें क्या पता सोशल मीडिया कैसे चलाते हैं? सोशल मीडिया सिर्फ गाली देने के लिए नहीं होता भैया, सोशल मीडिया काम करने के लिए भी होता है। बेवकूफो, कम जर्मो, कल मुंह हो, और क्या क्या गाली होती है, बस अब जाने दे, वो तो बस अब जाने दे, वो तो आज इसको तो हम भूल ही गए, इसको तो भूल ही गए, आज मैं सब कुछ भूल गई। नहीं नहीं नहीं, जस्ट कूल डाउन, और हमारे जो लोग इतने रात को इतनी लेट में देखते हैं। अजय विकास कुरैशी जी ने क्यों कमेंट डिलीट किया, मत करें विकास, आप जो है करें, मैं वो सीता जी बात करें तो उस वक्त दीदी, अच्छा उन्होंने कुछ और लिखा होगा, फिर उन्होंने लिख दिया दीदी जिसको गाली दे रही है, जिसको गाली दे रही है पैदा ही नहीं होते होंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, सब लोग लाइक कर दे लाइव को, थैंक यू परवीन जी। अच्छा तो बात है आज जो है वो हमारे क्या कहते होते हैं प्यार भरे, ठीक है ना, दो शर्मीले नैन, पता नहीं वो किधर है, नजर नहीं आ रहे, प्यार भरे दो शर्मीले आजकल वाकई में दो हंसों का जोड़ा कहाँ है दिखने रहा है, मैंने भी नहीं देखा आज तक, दो हंसों का जोड़ा जो जड़े के अभी 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 रुकिए। अच्छा